तो वहीं मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा हो गया और इसकी वजह से हाहाकार मच गया है। तो रफ्तार ने छीन ली है 17 लोगों की जिंदगी और तेज रफ्तार टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें कि डिवाइडर से टक्कर के बाद ये बस पलट गई और डबल डेकर बस हादसे में 17 यात्रियों की मौत हो गई। तो 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जयपुर से फरुखाबाद की ओर ये टूरिस्ट बस जा रही थी और दनाहर इलाके में ये हादसा हुआ। तो इस हादसे की वजह से 17 लोगों की जान चली गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सूचना मिली रोड की ये बस का एक्सीडेंट हो गया किरतपुर चौधरी के पास में। हम लोग यहाँ मौके पर आए, काफी मात्रा में लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है और एम्बुलेंस बुला के इनको अस्पताल पहुंचा। डेथ का कुछ आंकड़ा निकल गया, कुछ कितना लगभग 12 से ऊपर ही है। अब चूंकि यहाँ से भेजते रहे जल्दी निकाल के कुछ घायल भी थे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाके पहुंचा। जयपुर से फरुखाबाद के लिए बस जा रही थी बोलबो और ड्राइवर ओवर स्पीड में था, तो पैसेंजर्स बता रहे हैं ये नगला किरतपुर के पास ये संभाल नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया और ये पलट गई थी, उम्र टर्न हो गई। काफ़ी सारे लोग मौके पर ही एजेंटी हो गए। अब 3 थोड़ा सीरियस थे तो उनको हम लोगों ने सैफे रेफर कर दिया है, सैफे में चले गए हैं, वो ट्रीटमेंट हो रहा है। बाकी यहाँ मैनेजेबल हैं, करीब 13 लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो ये घटना हुई है बड़ी दुखद घटना हुई और पूरी सरकार, वो चाहे इंजर्ड परिवार हो, जो घायल परिवार है उनके साथ और जो मृतक है उनके साथ, पूरी सरकार की है उनके हर दुख की घड़ी के साथ। अच्छा, जिस तरह से चर्चा है कि प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ आने की संभावना है, उस बारे में क्या है स्थिति? मैंने बताया था कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात नहीं हुई है, बात करके हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? 17 लोगों की इसमें मौत हो गई है और जो कोई घायल है उनकी क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त? देखिए, ये अभी पूरा मामला जो है ये जयपुर से और फरुखाबाद के लिए कन्नौज के लिए जो बस है जा रही थी, इसमें 17 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल है उनका जिला चिकित्सालय मैनपुरी में इलाज चल रहा है और जो ज्यादा गंभीर लोग हैं उनको सैफई ट्रामा सेंटर में शिफ्ट किया गया है और उनका इलाज वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है। बाकी अब राहत और बचाव का कार्य जो है वो समाप्त कर लिया गया है, पर अब जो लोग उन बसों में थे उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है जिससे उनको बताया जा सके कि क्या है, और जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों और उनकी टीमें भेजी जा रही है। जी बिल्कुल धनंजय, क्या कुछ आपकी डॉक्टर से बात हो पाई है या हॉस्पिटल में किसी से बात हो पाई है? फिलहाल क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है क्योंकि 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए इस हादसे में? हाँ देखिए, अभी वहाँ जो सीएमओ है, सीएमएस है, वो सारी पूरी डॉक्टरों की टीम है और बाकी जो पीएचसी और जो और भी डॉक्टरों के जो अस्पताल है वहाँ से लोगों को डॉक्टरों को बुला लिया गया है और सारे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर हैं उनको जिला चिकित्सालय में बुला लिया गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है और जो गंभीर घायल हैं उनको सैफई शिफ्ट किया गया है क्योंकि सैफई में ट्रामा सेंटर और बाकी वहाँ डॉक्टरों का बेहतर इलाज हो सकता है, इसीलिए वहाँ भेजा गया है घायलों को जो ज्यादा गंभीर घायल है उन लोगों को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धनंजय तमाम जानकारी के लिए, शुक्रिया।